हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 5 स्क्वायर रूट्स का जो चैप्टर है क्लास 8 मैथ में, उसमें हम स्क्वायर रूट ढूंढने का मेथड सीखेंगे। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि अगर आप YouTube पे देखेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे YouTube वीडियोस मिलेंगे जिसमें आपको उन्होंने स्क्वायर रूट के ढूंढने के पता लगाने के लिए ट्रिक्स बताए हुए हैं। मेरा सुझाव ये है कि उन YouTube वीडियो को आप तभी देखें जब आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया है कि स्क्वायर्स क्या, नंबर्स क्या होते हैं, स्क्वायर रूट क्या होता है, वो स्क्वायर रूट निकालने का जो एक्चुअल मेथड क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन या लॉन्ग डिवीजन से, जब वो अच्छे से समझ आ जाए फिर आप ट्रिक्स को सीख सकते हैं। और इनफैक्ट मैथ में कोई भी कॉन्सेप्ट है, जब आप उसको अच्छे से समझ लेते हैं, चाहे परसेंटेज का है, चाहे वो फ्रैक्शंस का है, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस निकालने का है, एवरेजेस निकालने का है, कोई भी कॉन्सेप्ट है, जब आप उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं तो फिर आप ट्रिक्स खुद भी अपने बना सकते हैं, दूसरों के ट्रिक्स से भी सीख सकते हैं और अपनी ट्रिक्स भी बना सकते हैं। तो अच्छा होगा कि पहले आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लें और फिर उसके बाद में ट्रिक्स को सीखें। तो आज मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन से हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे ढूंढते हैं। तो मैं आपको फिर से एक बात समझा दूं, जो मैंने पिछले दो वीडियोस में समझाया था कि स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है। स्क्वायर्स का मतलब होता है कि किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना, जैसे 4 स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिखते हैं, जिसका मतलब होता है 4 × 4, मतलब एक नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना, तो 16। तो 4 का स्क्वायर है 16, समझ आ गया, 4 का स्क्वायर है 16, क्योंकि 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16। ऐसे ही 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया 81, तो 9 का स्क्वायर हो गया 81, इसको कहेंगे 9 स्क्वायर। और किसी नंबर का रूट मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट। अब 16 का स्क्वायर रूट ढूंढना है, ये जो सिंबल है जिसे रेडिकल कहते हैं, ये मतलब है कि आपने इस नंबर का स्क्वायर रूट ढूंढना है, मतलब वो नंबर ढूंढना है जिसको उसी से गुना करके 16 बनेगा। कोई ऐसा नंबर है जिसको उसी नंबर से गुना करेंगे तो 16 बनेगा, तो वो नंबर है 4। तो 4 का स्क्वायर है 16 और 16 का स्क्वायर रूट है 4। ऐसे 81 का स्क्वायर रूट है 9, क्योंकि 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 बनेगा। तो ऐसे ही हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट ढूंढते हैं, मतलब हम वो नंबर ढूंढते हैं जिसको उसी से गुना करके हमारा ये नंबर निकलेगा। मान लीजिए हमने 121 का ढूंढना है या 256 का ढूंढना है, तो कौन सा नंबर है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 बनेगा, या कौन सा नंबर है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 बनेगा। तो इसका जो एक मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन का, और दूसरा मेथड होता है लॉन्ग डिवीजन का। तो आज की वीडियो में आपको प्राइम फैक्टराइजेशन में सिखाऊंगा। अच्छा, उसको सीखने से पहले एक जो मैंने आपको टिप दिया था स्क्वायर्स ढूंढते समय, तो वो अगर आपने याद रखा हुआ है तो आपको स्क्वायर रूट हल करने में इजी होगा। वो टिप क्या था कि जब हम किसी नंबर का स्क्वायर ढूंढते हैं, ये एक्चुअली स्क्वायर होना चाहिए, हम 11 का स्क्वायर ढूंढते हैं, 19 का ढूंढते हैं, 12 का ढूंढते हैं, 28 का, ऐसे मैंने नंबर लिखे हैं। अब इसमें क्या ट्रिक है, अगर वंस की प्लेस के ऊपर 1 है या 9 है, 1 हो या 9 हो, तो उसके स्क्वायर में हमेशा 1 होगा एट द यूनिट प्लेस। ये यूनिट प्लेस है जो पहला डिजिट होता है नंबर का, 1 और 9 है तो 1 होगा, 2 और 8 है तो 4 होगा, 5 है तो हमेशा 5 होगा, 4 और 6 है तो 6 होगा, 3 और 7 है तो 9 होगा, 0 है तो 0 होगा। इससे आपको क्या हिंट मिलता है, इससे हिंट मिलता है कि मान लीजिए आपने 196 का ढूंढना है स्क्वायर रूट, तो अगर आपको ये हिंट याद है तो आपको ये समझ आना चाहिए
कि आंसर में जो यूनिट प्लेस पे या तो फोर होगा या सिक्स होगा, क्योंकि ये सिक्स है तो यूनिट प्लेस पे फोर या सिक्स होना चाहिए इसका जो आंसर होगा। अगर मान लीजिए हमने 225 का निकालना है तो यूनिट प्लेस पे फाइव है तो आंसर में यूनिट प्लेस पे फाइव होगा। अगर जीरो है तो यूनिट प्लेस पे जीरो होगा। नाइन है तो यूनिट प्लेस पे थ्री या सेवन होगा। ये चीज़ें याद रखने से आपको ये सॉल्व करने में थोड़ा हेल्प मिलती है, आपको एक हिंट मिल जाता है कि मेरे आंसर में ये आना ही चाहिए। इसका आपको आइडिया यहाँ से लगेगा कि यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है। फोर है तो आंसर में टू या एट आना चाहिए। नाइन है तो आंसर में यूनिट प्लेस पे थ्री या सेवन आना चाहिए। ये आप याद रखिएगा तो इससे आपको जो है हेल्प मिलेगी ये निकालने के लिए। तो आज हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे। तो आपको याद है प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं कि भूल गए? प्राइम फैक्टर्स वो नंबर हैं जो या तो वन से डिवाइड होंगे या उसी नंबर से डिवाइड होंगे। टू को या तो आप वन से डिवाइड कर सकते हो या टू से डिवाइड कर सकते हो। सेवन को आप वन से डिवाइड कर सकते हो या सेवनटीन से डिवाइड कर सकते हो। अर्थात इसको ऐसे भी कह सकते हैं इसके दो ही फैक्टर होते हैं। टू के क्या फैक्टर हैं? वन एंड टू। फाइव के क्या हैं फैक्टर्स? वन एंड फाइव। सेवन के क्या है? वन एंड सेवन। अलेवन के क्या है? वन एंड अलेवन। दो ही फैक्टर्स हैं इसके। जो कंपोजिट नंबर होते हैं उनके दो से ज़्यादा फैक्टर होंगे। जैसे एट है तो एट का फैक्टर टू भी होगा, फोर भी होगा, एट भी होगा। कंपोजिट नंबर में फैक्टर्स ज़्यादा होते हैं। प्राइम फैक्टर्स में दो ही फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर्स में, दीज आर प्राइम नंबर्स। ये कंपोजिट नंबर है तो इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि इसी के हेल्प से हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे एक नंबर की और उसका स्क्वायर रूट ढूंढेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, फोर का हम स्क्वायर रूट ढूंढते हैं। हमें मालूम है टू है लेकिन हम इसको मेथड से ढूंढेंगे। अभी फोर के क्या फैक्टर्स होंगे? फोर का फैक्टर होगा वन, टू एंड फोर। लेकिन इसका प्राइम फैक्टर सिर्फ एक ही है, दो। प्राइम फैक्टर इसका एक है और वैसे इसके नॉर्मल तीन फैक्टर है, ठीक है? तो आपको मैं पहले नॉर्मल फैक्टर से समझाता हूं। अगर इसका एक फैक्टर है एक, एक है दो, एक है चार, तो हमने कौन सा फैक्टर ढूंढना है? हमने वो फैक्टर ढूंढना है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर बनना चाहिए। वन को वन से मल्टीप्लाई किया तो वन बनेगा, टू को टू से मल्टीप्लाई किया तो फोर बनेगा, फोर को फोर से किया तो सिक्सटीन बनेगा। इसको फिलहाल इसको भूल जाइए आप, ये बाद में मैं सिखाऊंगा। तो चार के तीन फैक्टर्स हैं, वन टू फोर। तो अगर हम एक फैक्टर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वन को करेंगे तो वन बनेगा, फोर को करेंगे तो सिक्सटीन बनेगा, टू से करेंगे फोर बनेगा। इसका मतलब है कि यही एक फैक्टर है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पे फोर बनता है। तो इसका हम नेक्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे, ऐसे टू इंटू टू, फोर के दो फैक्टर बन गए। तो अभी हमने क्या कहा था, इसका स्क्वायर रूट वो नंबर है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पर फोर बनेगा। तो टू को टू से मल्टीप्लाई करने पर फोर बन रहा है, तो उसका फिर आंसर क्या होगा, टू। ये लास्ट स्टेप है। हमने क्या करना है, इस पेयर में से एक टू को चुनना है और ये स्क्वायर रूट को हटा देना है। तो ऐसे इसको आप सॉल्व करेंगे, इसका सोल्यूशन है, ये लिखेंगे आंसर। और सिंपल करके बताता हूं एक एग्जांपल आपको, फिर थोड़ी मुश्किल वाली भी आएंगे। नाइन, तो नाइन के क्या फैक्टर है, वन थ्री नाइन। तो वन को वन से मल्टीप्लाई किया तो वन बना, थ्री को थ्री से किया तो नाइन बना, नाइन को नाइन से किया तो एट्टी वन बना। तो हमें ये फैक्टर चाहिए, ये वो फैक्टर है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पर नाइन बनता है। तो इसका क्या आंसर होगा, थ्री इंटू थ्री।
अब दो एक इस पेयर में से एक हमने चुनना है वो आंसर हो गया और ये साइन अब हटा देंगे, ये क्वेश्चन है उसको हमने थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिखा, ये आंसर है, इस नंबर को इसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 बनेगा, तो 9 का स्क्वायर रूट है 3, ठीक है। एक और करके बताता हूं आपको, 16, तो 16 के क्या फैक्टर्स होंगे, 1 2 4 8 16, तो हमने इन पांच फैक्टर में से वो फैक्टर चुनना है जो एक प्राइम नंबर है और उसी को मल्टीप्लाई करने से 16 बनना चाहिए। तो 1 को 1 से किया बना 2, सॉरी 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया बना 1, 2 को 2 से किया बना 4, 4 को 4 से किया बना 16, 8 को 8 से किया बना 64, 16 को 16 से बना 256। तो मतलब करेक्ट आंसर ये है, बाकी कोई करेक्ट नहीं है, तो हम इसको यहाँ यूज करेंगे ऐसे 4 × 4। अब एक पेयर बन गया, इसमें से एक हम पिकअप कर लेंगे और ये रूट का साइन हटा देंगे, तो 16 का रूट है 4। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, हम कंपोजिट जो है वो ढूंढ रहे हैं, फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स नहीं ढूंढ रहे, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको किया है, आपने प्राइम फैक्टर्स ढूंढने हैं। तो प्राइम फैक्टर्स हम कैसे ढूंढते हैं, 16 का ही कर लेते हैं, प्राइम फैक्टर्स ज्यादा ऐसे ढूंढते हैं, 2 से शुरू करेंगे, 2 8 16, फिर 2 4 8, 2 2, तो ये इसके फैक्टर हैं 1 2 3 4। तो इसको हमने ऐसे बेसिकली करना है, अब आपको समझा दिया मैंने कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं प्राइम फैक्टर। तो अभी 16 को हम क्या करेंगे, 2 × 2 × 2 × 2, 2 × 4 × 8 × 16। अभी हमने क्या करना है, 2 2 फैक्टर्स के ग्रुप बनाने हैं, 2 × 2 एक ग्रुप बन गया, मल्टीप्लाइड बाई 2 × 2 दूसरा ग्रुप बन गया। क्यों 2 2 के ग्रुप बना रहे हैं, हर ग्रुप में से हमने एक चुनना है, इसमें से एक चुनेंगे और इसमें से एक चुनेंगे, ये इसमें से चुना, ये इसमें से चुना, तो अभी हमने रूट का साइन हटा दिया, तो आंसर क्या हो गया, 2 2 4। तो हमने प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं एक नंबर के, फिर उनकी ग्रुपिंग करनी है और ग्रुप में से एक एक नंबर को पिकअप करके उनको मल्टीप्लाई कर देना है, ये होता है मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। अभी आपको एक और नंबर करके बताता हूं, ये सिंपल एग्जांपल से ही आपको कॉम्प्लिकेटेड भी समझ आ जाएंगे, पहले आप सिंपल समझ लीजिए फिर आप मुश्किल वाले समझ लेंगे। मान लीजिए हम करते हैं 36 का, हमने वो नंबर ढूंढना है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पर 36 बनेगा, तो 36 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं, पहले 2 से किया, फिर 2 से किया, फिर 3 से किया, 3 1 3, तो ये इसके फैक्टर बने 2 × 2 × 3 × 3। तो हम इसको ऐसे चेंज कर देंगे 36 को 2 × 2 × 3 × 3। अभी सेम नंबर्स के हमने ग्रुपिंग करनी है, तो एक ग्रुप ये बनेगा, एक ग्रुप ये बनेगा, 2 × 2 एक ग्रुप बन गया और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस ग्रुप से, अभी ये साइन रहेगा। अभी हम इस ग्रुप में से एक नंबर पिकअप करेंगे और इस ग्रुप में से एक नंबर पिकअप करेंगे और अब साइन हटा देंगे, क्योंकि हमारा ये आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, अगर हमने निकालना है मान लीजिए 144 का, या पैसे 81 का निकालते हैं, तो 81 के हम करेंगे प्राइम फैक्टर्स
27181 9387 3939 3131 ये ग्रुप बन गए, ये सिंपल रहेगा। अब 81 की जगह हम लिख देंगे 3 × 3 × 3 × 3, फिर इसकी ग्रुपिंग करेंगे, दो दो नंबर को ग्रुप कर देंगे, इसका एक ग्रुप बनेगा, इसका एक ग्रुप बनेगा 3 × 3 3 × 3। अभी हम रूट का साइन हटा देंगे और इसमें से एक नंबर पिकअप किया, इसमें से एक किया 9। ठीक है, वन हंड्रेड ट्वेंटी एट का नहीं बनेगा, 256 बनेगा, 256 दो से करेंगे 128 और दूसरे बन चुके, दो से करेंगे 64, 4 × 2 = 12, दो से करेंगे 32, दो से करेंगे 16, दो से करेंगे 8, दो से करेंगे 4, दो से करेंगे 2, दो से करेंगे 1। तो अगर हमने 256 का स्क्वायर रूट निकालना है, मतलब वो नंबर ढूंढना है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करके 256 बने, तो अब इसमें हम प्राइम फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब इसकी ग्रुपिंग करेंगे दो दो की और हर ग्रुप को दूसरे ग्रुप से मल्टीप्लाई करेंगे, यह भी रूट का साइन रहेगा। हमने एक ग्रुप ये बनाया, दूसरा ये बनाया, तीसरा ये बनाया, चौथा ये बनाया। अब हर ग्रुप से हम एक एक पिकअप कर लेंगे, अब रूट का साइन हटा देंगे, ये हमने यहाँ से पिकअप किया, ये यहाँ से किया, ये यहाँ से किया, ये यहाँ से किया, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 4 = 16, तो 16 आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके किसी भी नंबर का जो है स्क्वायर रूट ढूंढ सकते हैं। हमने क्या करना होता है कि प्राइम फैक्टर्स को ग्रुपिंग कर देना है, हर ग्रुप में दो नंबर आने चाहिए एक जैसे, और जब हम उसका रूट साइन हटाएंगे तो हर ग्रुप में से एक नंबर को पिकअप कर लेंगे और उन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अभी आपको थोड़ा सा मैं एक और डिफिकल्ट क्वेश्चन बताता हूं, उसमें क्या होगा कि सभी की बराबर ग्रुपिंग नहीं बनेगी। मान लीजिए हमने 72 का निकालना है, अब 72 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर आप देखेंगे 1 to 100 में 8 8 64 आता है, उसके बाद में 9 9 81 आता है, तो 64 परफेक्ट स्क्वायर है, 91 परफेक्ट स्क्वायर है, 72 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पर फिर भी इसका हम निकाल सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, पहले 2 से 36 × 72, 2 18, 2 9, 3 3 3 1 3। ठीक है, तो अभी इसको हम क्या करेंगे, 72 के हम फैक्टर्स लिखेंगे, 1 2 3, ठीक है। अभी यहां थोड़ा आपने एक समझना है बात को, हमने क्या करना है, सेम नंबर के पेयर लेने हैं, तो एक पेयर तो ये बन रहा है और एक पेयर ये बन रहा है, दो इसमें छूट रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इसका एक ग्रुप बनाएंगे 2 × 2, फिर ये 2 छोड़ देंगे और एक पेयर ये बनाएंगे। अभी जब हम सॉल्व करेंगे तो इसमें से हमने एक पिकअप कर लिया क्योंकि ये पेयर है, इसमें से हमने एक पिकअप कर लिया क्योंकि ये पेयर है, लेकिन 2 का पेयर नहीं है तो 2 का रूट नहीं हट सकता, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि 2 अकेला है, 2 2 होते
तो पेयर बनता तो रूट को हटा के हम एक पेयर एक में से चुन लेते, तो टू रहेगा, टू कैसे रहेगा, ऐसे रहेगा। मतलब टू का हमने वैल्यू नहीं निकाली है, हमने इसकी वैल्यू निकाल दी, इसकी निकाल दी, इसकी नहीं निकाल दी, तो उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, टू थ्री ज़ा सिक्स, सॉरी सिक्स इंटू अंडर रूट टू, और इसको लिखते कैसे हम, सिक्स अंडर रूट टू। तो ये इसकी वैल्यू है जिसमें एक पार्ट को हमने सॉल्व नहीं किया। हम इसको कर सकते हैं डेसिमल में, वो बाद में मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन अगर आप ऐसे आंसर लिखते हो तो वो सही आंसर है। इसका मतलब है सिक्स को हमने अंडर रूट टू से मल्टीप्लाई करना है, जो भी अंडर रूट टू की वैल्यू होगी जो डेसिमल में आएगी। तो 72 का अगर आप ऐसे आंसर लिखते हैं तो ये सही आंसर है। इसका क्या मतलब है, सिक्स को हमने अंडर रूट टू से मल्टीप्लाई करना है, अंडर रूट टू को हमने सॉल्व नहीं किया। अगर आपके क्वेश्चन में लिखा है कि डेसिमल में करिए तो आप इसको डेसिमल में कर सकते हैं, वो मैं आपको अलग से समझाऊंगा। तो इसका ये आंसर भी सही है। इसी प्रकार के एक और करके बताता हूं, सिंपल। जैसे अंडर रूट 18 निकालना, अब अंडर रूट 18 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि 4 चौके 16, 5 पंचे 25, इसके बीच में आ रहा है ये। 4 का स्क्वायर है 16, 5 का स्क्वायर है 25, 18 उसके बीच में आ रहा है। तो 18 के हम करेंगे प्राइम फैक्टर्स, 2 नीम 18, 3 3 9, 3 1 1, तो इसके क्या फैक्टर बने, 2 into 3 into 3। तो अब इसमें एक ही पेयर बन रहा है ये वाला, 2 को ऐसे ही छोड़ देंगे, 3 into 3 एक पेयर बना दिया। और अभी इस पेयर में से हमने 3 बाहर ले आया, और 2 का अंडर रूट रहेगा क्योंकि वो अकेला है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज इसको ऐसे लिखते हैं 3 अंडर रूट 2। इस पेयर में से हमने 3 को बाहर ले आए, इसका रूट हट गया। और अच्छा, इसको एक और स्टेप कर देता हूँ यहाँ पे समझाने के लिए, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 इंटू 3। इस स्टेप में हमने क्या किया, इसके दो पार्ट कर दिए, एक पार्ट ये हो गया और दूसरा पार्ट ये हो गया, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये वाला सॉल्व नहीं हुआ, ये वाला सॉल्व हो गया, तो ऐसे आंसर आ गया 3 अंडर रूट 2। तो इसका अगर डेसिमल में आंसर करेंगे अलग होगा, ऐसे देंगे वो भी करेक्ट है। तो आज हमने सीखा कि प्राइम फैक्टराइजेशन से हम कैसे किसी नंबर का स्क्वायर रूट ढूंढते हैं। अगर वो होल नंबर है तो आपका आंसर होल नंबर में होगा, जैसे 25 का आंसर निकालेंगे 5 आएगा, 144 का निकालेंगे 12 आएगा। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सॉरी, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो होल नंबर में आंसर होगा, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो आंसर या तो डेसिमल में आएगा या उसमें एलिमेंट फैक्टर रूट का होगा। फिर से समझा दूं, जिस नंबर का स्क्वायर रूट ढूंढना है अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो आंसर होल नंबर होगा, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसका आंसर या तो डेसिमल में आएगा या उसमें एक फैक्टर रूट का होगा। ठीक है, तो अगर आप कोई किसी पॉइंट पे आपको डाउट है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको फिर से समझाऊंगा। तो अगले वीडियो में हम समझेंगे कि लॉन्ग डिवीजन से हम कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं किसी नंबर का। तो मेरी इस वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।